आपके लोग क्या कर रहा है? बोले बोले भाई रे बोले एक्शन। सीन ये चल रहा है जिसमें हम लोग नैना का शुद्धिकरण कर रहे हैं और उसके दौरान शैडोज़ जो हैं, कुछ शैडोज़ हैं जो आत्माएं हैं वो नैना पे अटैक करने जाती है। तो पुरोहित जी का कहना होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो देवरी की वजह से हो रहा है। फिर वो कैसे भी करके गंगा जल नंदू छिड़कता है उन शैडोज़ पे, तो शैडोज़ चली जाती है। फिर शैडोज़ वापस आ जाती हैं। काली को एक तरफ बहुत पेन हो रहा है पेट में और हम सब लोग बस यही प्रे करें कि जल्दी से बस शुद्धिकरण हो जाए नैना का। शुद्धिकरण हो जाता है, उसके बाद काली के मुंह से निकल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो खबर सुन के हम सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं पे सीन ख़त्म हो जाता है। नहीं नहीं अभी वो रिवील नहीं हुआ है कि वो सुधर गए हैं या वैसे के वैसे ही हैं। बट आई थिंक कि पुरोहित जी का कहना है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो देवरी की काली शक्तियाँ हैं। देवरी ने नैना के अंदर काली शक्तियाँ भर दी है, देवरी का खून है नैना के अंदर। तो वही सब अभी फिलहाल तो चल रहा था जिसमें पुरोहित जी कहते हैं कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो देवरी की वजह से हो रहा है। तो जल्द से जल्द हमें नैना का शुद्धिकरण कर लेना चाहिए जिससे नैना वापस पवित्र हो जाए और उसके ऊपर कोई काला साया ना हो। ऑब्वियसली क्योंकि मेरी बेटी के ऊपर सारी शैडोज आ रही है, बुरी शक्तियाँ आ रही हैं और घर का माहौल एक तरह से खराब हो रहा है, सारे फैमिली वाले डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली गौरी का तो थोड़ा परेशान रहना बनता है।